अब न्यूक्लियस योर माइनक्राफ्ट फ्रो इज बैक। अब देख बंदर कहाँ चढ़ा हुआ है। न्यूक्लियर आराम से गिर जाओगी। तुम लोगों ने मेरे को नूब समझ रखा है क्या? माइनक्राफ्ट फ्रो बोलते सबको माइनक्राफ्ट मैंने तो सिखाया है। इसी बात भी घुसा खा ले। मेरे जैसे फ्रो को वीडियो के स्टार्टिंग में मारती हो। घंटा फ्रो तेज अज्जा तो बच्चे खेल लेते हैं। ऐसा है क्या? कहाँ पर है तू? तेरी तो अभी बैन बजाने वालों वीडियो के स्टार्टिंग में मार दिया मेरे को। अब तू हरकते ही वैसी कर रहा था तो मैं क्या करूँ? गेम ढूंढने जाना था, टावर बना के बंदरों की तरह चढ़ गया। वैसे बंदर ही है। हाँ तो मेरे प्यारे गटर गट्टू बाब, मैं इंट्रो कर रहा था। ऐसा है क्या? बोल देता तब भी कुछ नहीं होता। मैं जान तो यार मिल गई। इसकी भैंस की पूछ चिढ़ा रहा है मेरे को। भागो न्यूक्लियर आ रहे। डरो मेरे से, अगर तुम लोग मेरे को मिलोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन इससे पहले ये बताओ कि तुम लोग कहाँ पर हो यार? कहीं दिख नहीं रहे। पीछे तो देखो। बहुत तेज लगी। बम पे मार दे तेरी भैंस की पूछ। रुक, कहाँ भाग के जा रहे? तेरे को इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तलवार भी नहीं है इनके पास। पानी में गिर गए, अब तो गई है। नहीं, हम इतने आराम से नहीं मरने वाले। ये क्या, इनके पास ब्लॉक्स था? यार मैं बहुत ही क्लोज था गाइस, ऑलमोस्ट अभी मर ही जाते। ये लोग पानी के अंदर क्यों धकेल रहे हो? जान के पीछे पड़ा है, और क्या करे। वैसे बोल तो सही रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि आपस में नहीं लड़ते। चलो ठीक है, वैसे भी हम लोग को मिलके सर्वाइव करना है तो आपस में हम लोग क्यों लड़े, है ना? थैंक यू चॉप, जान बचा ली। ओके तो न्यूक्लियस, हम लोग फाइनली माइनक्राफ्ट में आ गए हैं। मैं जानता हूँ कि थोड़ा टाइम लग गया, बट वी आर हियर। सर्वर सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया था। हां गाइस, मेरे को लगा था कि आराम से एक छोटा सा सर्वाइवल वर्ल्ड बना के स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन सर्वर सेटअप करने में इतने टाइम लग गया कि मैं क्या ही बोलूं। अगली बार से मेरे को सर्वर की याद मत दिलाइए चॉप। उससे पहले तो ये 2 रुपए की एक्टिंग बंद कर। इमोशनल टाइम। ये जो सामने आप लोग को टावर दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पर हम लोग स्पॉन करे, जहाँ पर हम लोगों ने अपने माइनक्राफ्ट के पहले कदम रखे। और ये है हमारा झोपड़ा। क्या करे, अभी के लिए इतना छोटा सा है, लेकिन एक दिन अपने पास भी बड़ा घर होगा। यस, अपना टाइम आएगा। पर अभी के लिए हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। नहीं, मेरे को बड़ा घर चाहिए, ये घर बहुत छोटा है। मिस्टर दी हग्गू, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर आओ। मेरी जैसी प्यारी बच्चे से काम कराता है। बॉब, इतने फनी जोक मत मारा कर यार। तू और प्यारा, क्या जोक है? सो मच फनी यू आर। जहाँ से मैं अभी गिरा था वो हमारा टॉयलेट है, और अभी मेरे को वापस ये GTA 5 नहीं है। इतने ऊंचे पेड़ से कूदोगे तो हेल्थ जाएगी। गाइस, अगर कोई फॉल डैमेज कम करने का मेथड होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बता देना। कॉल, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे पास एक्चुअली सामान था ना, वापस जाते बच गए इस बार। ओके, तो हमारा मिशन क्या था? केव के अंदर जाना, जिसके लिए हमें पहले टॉर्चेस की जरूरत पड़ेगी, और टॉर्चेस बनता है स्टिक से। देखिएगा इसमें कितना स्मार्ट नहीं, जो भी माइनक्राफ्ट खेलते सबको पता ही है। स्टिक के साथ हमें कोल भी चाहिए होगा। ओह, फिर तो हमें पिकैक्स बनाना पड़ेगा। चलो गाइस, अपना फर्स्ट पिकैक्स बनाते हैं। लेट्स गो। अच्छा अच्छा, बॉब बीच में क्यों आ रहा है? 2.5 किलो का हाथ तेरे को पड़ जाएगा, तू मर जाएगा बेफालतू में। ए, तो मदद करने के लिए आया था। अपने आसपास देख, कितने सारे पेड़ है, तो सही कोई और पेड़ काटना। नहीं तो गाइस, क्या है ये, एकदम स्टूपिड प्लेयर है गाइस, स्टूपिड। इसलिए तेरे को बोलता हूँ बॉब, मेरे से देख और सीख। उससे अच्छा मैं चुल्लू पर पानी में डूब ना जाऊँ। ये देख, हमको तेरे पीछे मच्छर मार रहा था, गलती से लग गई। तेरे मुंह पे भी बहुत बड़ा मच्छर है, रुक, उसको मारने के लिए तेरी मदद करता हूँ। नहीं 1 HP, नो, नहीं ना, कोयले मत मारो मेरे को प्लीज। अभी तेरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जाने देता हूँ। जिस दिन मेरे पे फुल हेल्थ होगी उस दिन बताऊंगा मैं तेरे को बॉब, बट अभी फिलहाल के लिए 1 HP है, तो प्लीज डोंट हिट मी। आई लग कूल। हाथ से क्यों तोड़ रही हो? ये लो पिकैक्स लो। तुम पर पिकैक्स थी? Yes, पहले बता देते ना, मेरी हेल्थ बच जाती। ओह नो, आई अपोलोजाइज। रहने दे, तेरी अपोलॉजी नहीं चाहिए, मैं बैड कैच कोल माइन करूंगा। रात का टाइम हो गया है, मॉब स्पॉन करेंगे। डरते हैं क्या? लेकिन अभी 1 HP है तो थोड़ा डर लेते हैं। यो, मी बैक विद द कोल ब्रो। बहुत बढ़िया, आप टॉर्चेस बना सकते हैं। हेलो टॉर्चो, ये ले, तू भी क्या याद रखेगा? पूरे 2 टॉर्च दे के बोलते, तू भी क्या याद रखेगा, बाकी दे। अच्छा, 2 ही ड्रॉप करे क्या? मेरे को लगा ज्यादा ड्रॉप करी थी। चल ये ले। अबे फेंक ना, रुको मैं दे तो, ये लो। थैंक यू चॉप, अब तेरी मदद से मैं अंधेरे में देख पाऊंगा ब्रो। मैंने भी 2 टॉर्च दिया, मेरे को थैंक यू नहीं बोला। मेरे हाथ में टॉर्च है तो सही, बट रोशनी कहाँ पर है टॉर्च की? उसके लिए तो ऑप्टिफाइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या ऑप्टिफाइन से होता है? जी हाँ। बड़े गंदे यार ये माइनक्राफ्ट वाले, तो हमें मैन्युअली ऐसे टॉर्च लगाना पड़ेगा हर जगह केव में। हाँ, और अगर तुम्हें वैसे करना है तो ऑप्टिफाइन इंस्टॉल कर लेते हैं। नहीं, अब ऐसे स्टार्ट करे तो फिनिश कर ही लेते हैं। तो फिर चलो तुम्हारे लिए खाना ढूंढते हैं। नहीं, सुबह मैगी खाया था, पेट फुल है। मैं माइनक्राफ्ट में खाने की बात कर रहा था, तुम्हारी हेल्थ लो थी ना। ओ सॉरी, हाँ सही बोला, हेल्थ काफी कम है। मुर्गियों को ढूंढ के मारते हैं, और ब्रेड भी, फिर चिकन बर्गर बनाएंगे। यहाँ पर भी शुरू हो गया ये बॉब का बच्चा। अभी फिलहाल तो इतनी कम HP की, कुछ भी मिल जाए मैं खा लूंगा। वो देखो सामने वाटरमेलन। तरबूज, वेयर इज माय तरबूज, कहाँ पर है? वो
शुगर केन है, हाँ ये वाटरमेलन। न्यूक्लियस माइनक्राफ्ट में हमारा पहला फूड वाटरमेलन होने वाला है, क्या बात है। कितने ज्यादा मिल रहे हैं गाइस, एक को तोड़ रो 7 मिल रहे हैं। अब तो हेल्थ की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। केव के लिए हमें और भी फूड चाहिए होगा। सही बोल रहे, वाटरमेलन से सिर्फ एक एक फूड बढ़ रहा है। लेट्स गो टू हंट मुर्गी। कुछ तो दिखा आगे, कौन है वो? वो तो पिग है। क्या बात है, जीटा भाई को पिग माइनक्राफ्ट पिग? नहीं, माइनक्राफ्ट पे पिग GTA 5 से भी पहले से था। और देख मुर्गी भी मिल गई, आगे ज़ॉम्बी भी है। उससे पहले मैं इस मुर्गी को मारूंगा, डॉज बॉल का वर्ल्ड चैंपियन लग रहा है, मर ही नहीं रहा। अब का बच के जाएगा। अच्छा वो फूड खा लिया था, वरना वापस से टपक जाता। चारों तरफ लाइट लगा दो, बहुत कम एचपी है। लाइट नहीं, टॉर्च बोलती है। जो भी हो, जो फटी होती तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हक दो। तेरे तेरे हग्गू समझ रखा है क्या मेरे को? टॉर्च क्यों तोड़ रहा है? इतनी मेहनत से लगाया था। एक ही जगह थोड़ी रहेंगे, आगे भी तो बढ़ेंगे और हेल्थ भी बढ़ गई। चलो फिर केव ढूंढते हैं। वो तो ढूंढना ही है, उससे पहले थोड़ी कोको बीन्स ले लेती। के भैंस के कोको बीन्स? अब क्या हो गया? अंडा है क्या? सामने दिख नहीं रहा, हमारे पीछे ज़ॉम्बी की सेना पड़ गई। आइए क्या बात है, देखते गाइस की लोग इसको सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं। आप क्या पढ़ा है, हमारी मदद कर। अच्छा बाबा ठीक है, चिल्ला क्यों रहा है, कर रहा हूँ मदद। बोल बोल बच गए, वो नहीं बंदराज भरवा देता। अपने प्यारे दोस्तों को मैं ऐसे मरने थोड़ी दूंगा। कोई इसके 50 रुपए घाटू सस्ती एक्टिंग कर रहा है। यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आके ज़ॉम्बी मेरे यार। टेंशन मत लो, हम है वापस से 1 HP हो गई। मेरा प्लेयर इतना कमजोर क्यों है, वाटरमेलन का जल्दी। बहुत बड़ा नूब है ना उसके लिए। चुप बैठ। गेम में एंटर करने से पहले थोड़ा खाना कलेक्ट कर लेती है। जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं तो सही बोल रहे, हमें और खाने की जरूरत है। ए, बचाओ, ये क्या हो गया? डरती है क्या? क्या है, स्वॉर्ड से मार देना आराम से। भूत है वो? नहीं नहीं, नॉर्मल स्केलेटन है जो स्पाइडर के ऊपर बैठा है। ये क्या है, सही में भूत है, मारो इसको। बोला तो भूत नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपनी जान बचाने। क्या बात है, भूत ने न्यूक्लियर को मार दिया? और ये बात सुन के तू इतना खुश क्यों है? क्योंकि ये भूत नहीं था, हमने अभी अभी इसको मारा। नूब, ये क्या है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर आ गया यार, कोई बचाओ। लगता है अब कोई चारा नहीं है गाइस, हमको लड़ना ही पड़ेगा, इससे मारना पड़ेगा कैसे तैसे करके। ओ यार मार दिया। पक्का झूठ बोल रहा होगा ये? नहीं नहीं पागल है क्या, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था, मेरे पे कुछ भी नहीं था, आपने हाथों से मारा उसको। न्यूक्लियस आप लोग मेरी हालत देख रहे हो, चारों तरफ तीर लगे हुए। वो सब छोड़ो, हमें केव मिल गया। तो फिर देरी किस बात की, दिखाओ। बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो थोड़ा बच के रहियो। बॉब दी हगू, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? मेरा नाम है वेरी न्यूक्लियर, और डेंजरस चीज करना ही तो मेरा काम है। देखो वो रहा। ओह क्या बात है, इतना गहरा केव मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। क्यों, क्या हुआ, फट गई क्या? हाँ बॉब बहुत बुरी तरह फट गई। ओ नो सॉरी बॉब, गलती से पंच दब गया। मैं जानता हूँ झूठ बोल रहा है ये बंदर, और तू वही रुक मारी है। क्या बात है, खाना पका दिया? प्रो बोलते खाना बनाती। ये पक्का माइनक्राफ्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखकर आया होगा। बॉब मैं बचपन से माइनक्राफ्ट खेलते आ रहा हूँ, मेरे को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता है। और न्यूक्लियस अगर आप लोग भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हो तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं आती, लेकिन तब भी कर देना यार प्लीज। पकड़ा गया न्यूक्लियस, पकड़ा गया। चलो वो सब छोड़ो और अपना केव जर्नी स्टार्ट करते हैं। सही में यार ये केव तो कुछ ज्यादा ही गहरा है, बच गया। कैसे, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसी है? वैसे तो मेरी किस्मत एकदम फटी हुई है, लेकिन आज लगता है पहली बार चल गई, एकदम सही टाइम पे चल गई, वरना मेरे को 10-15 किलोमीटर चल के यहाँ पर वापस आना पड़ता। और ये क्या है, ये तो कुछ नया और लग रहा है, व्हाट इज दिस? ये तो आयरन और है। ओह लोहा, क्या हम इससे आयरन मैन का आर्मर बना सकते हैं? नहीं। ये तो बहुत सैड बात है, फिर तो इसका कोई यूज ही नहीं है गाइस। नहीं, काफी यूजफुल है, इसके बिना तुम डायमंड कलेक्ट ही नहीं कर सकते। सही है, वरना इतनी मेहनत से मैंने 7 आयरन और इकट्ठा करे थे, वेस्ट हो जाते। ऐसे बोल रहे जैसे 7 करोड़ इकट्ठा करे हो। बॉब एक सेकंड रुक, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट रूम ढूंढ लिया है? नहीं, ये तो एक मामूली सा माइनशाफ्ट है जो कि बहुत कॉमन होती है। ओके चॉप, मेरा दिल तोड़ के तेरे को कैसा लग रहा है? लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पर हमें एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल सकता है। फिर देरी किस बात की, मेरे को तो पहले से ही पता था कि काफी कमाल की जगह होने वाली है ये। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। नो 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 नो, क्या बात है हड्डी, क्या हो रहा है ये? माइनक्राफ्ट वाले चाहते नहीं है कि मेरी फुल एचपी हो। मेरे को तो वही लग रहा है, तेरे से पूछा मैंने है। मैं तेरे से बात नहीं कर रहा था, मैं तो सोच रहा था। मन में सोच लेना, एक सेकंड रुको, उसके लिए तो दिमाग चाहिए होता जो कि तेरे पे नहीं है। क्या बोले तूने, स्पाइडरमैन? ओके नॉर्मल स्पाइडर है, एक सेकंड के लिए मेरी फट गई थी, हवा में कैसे उड़ रही है। तुम लोग आपस में मत लड़ो वरना एक्सप्लोरेशन में बहुत दिक्कत होगी। सही बोल रहा है, बहुत दिक्कत होने वाली है, सामने पटाखे। कौन है? रीपर ही है, टेंशन मत लो। टेंशन नहीं ले रहा, डरती है क्या? लेकिन मेरे को ये बताओ कि ये मेरे पीछे क्यों
पड़ा है। ये फाइनली न्यूक्लियर की गर्लफ्रेंड मिल गई। बॉब के बच्चे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं क्रीपर है, बचाओ मेरे को। न्यूक्लियस मेरे को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है बट न्यूक्लियर की गर्लफ्रेंड उड़ गई। तेरे को मैं कितनी बार समझाऊं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं क्रीपर है और ये क्या है, मॉब स्पॉनर है और उसको तोड़ना मत। ठीक है नहीं तोड़ूंगा। और आसपास इतने सारे जाले क्यों है? क्योंकि ये स्पाइडर स्पॉनर है। फिर तो मजा आएगा गाइस, हम लोग स्पाइडर के ऊपर रिसर्च करेंगे और स्पाइडरमैन बनने का तरीका खोजेंगे और फिर दीवार से जाके चिपक जाएंगे। दीवार से चिपक के क्या करेगा, आराम से सो जाऊंगा। लगाई था बॉब दी अलसी और कर ही क्या सकता है। किसने बोला अलसी, जाली साफ कर रहा हूँ ना देख। मैं तो बोलता हूँ बाद में आके कर लेते, कुछ ज्यादा ही है। मैं रुकने बोला था लेकिन अगर तू इतना रिक्वेस्ट करते तो आ ही जाता हूँ। देखा गाइस, बोला था ना आलसी एक नंबर का, सबको पता है कि तेरे से तो कमी हुआ। क्रीपर इतना स्लो क्यों चल रहा है, ये तो वर्ल्ड का स्लोएस्ट क्रीपर है गाइस। वो तो कछुआ क्रीपर था और ये कछुआ स्केलेटन। भाई मेरे तरफ क्यों मुड़ गया, मेरे को मत मारो। कछुए नहीं है, वेब्स के वजह से उनकी स्पीड कम हो रही है। वाह बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर एक क्रीपर है। माइनक्राफ्ट मेरे को डेफिनेटली मारना चाहता है, ये बचाओ यार। मेरी दोस्त हम आ रही है लेकिन जालों में फंस गए। झूठ बोल रही है बॉब का बच्चा, जालों में कैसे फंस सकते हो तुम, स्केलेटन के वजह से। ओके नाइस टू मीट यू, मेरी एक कम एचपी है, मैं बाद में आता हूँ। कॉटिन 4K? क्या कॉटिन 4K, मैं आ ही रहा था यार, खाना खा के आ जाता तेरे को बचाने के लिए। बचाने के लिए या फिर हमारा लूट लेने के लिए? तुम्हारा लूट, मेरा मतलब तुम्हारी जान बचाने के लिए। लगता है पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ तुमने सही बोला। अरे बाबा मजाक कर रहा था यार, आगे बढ़ते हैं, डायमंड्स भी तो खोजने हैं। उससे पहले एक चीज करने दे, हो गया तेरा। और बहुत मजा आया। क्या बात है, पजाना मिल गया, पजाना। क्या खजाना, माइनक्राफ्ट पे बर्गर्स है क्या? बर्गर नहीं चेस्ट मिला और ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ भी। ज़ॉम्बीज़, आई वोंट लेट यू टेक माय पजाना। वो पजाना नहीं खजाना होता है ढक्कन, और वैसे भी ज़ॉम्बीज़ हमारी बात सुन थोड़ी सकते हैं। खाना खाली तो एचपी कम हो गई। चलो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ब्रेड, क्या बात है, दुई दुई ब्रेड और ये गोल्डन एप्पल। ब्रेड से बन बना सकते हैं और फिर बर्गर। मेरे प्यारे भुक्कड़ वो तो कर लेंगे लेकिन चॉप उससे पहले मेरे को ये बता कि इस गोल्डन एप्पल से क्या कर सकते। ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकते हैं। ज़ॉम्बी विलेजर और विलेजर से याद आए, अब तक हमने कोई विलेज नहीं ढूंढा तो हम लोग को जल्दी से विलेज भी ढूंढना पड़ेगा। और ये ब्रेड ले ले जाओ। कंजूस मक्खी चूस एक ब्रेड देता है। मेरे पे दो ही थे, उसमें से एक मैंने तेरे को दिया है। ओ, ये देखो, मेरे को बोलता है कि मैं टॉपिक चेंज कर दूं और अभी खुद वही चीज कर रहा है। नीचे कोई ब्लू टाइप है, कलेक्ट कर लो। इसका आंसर तो मैं जानता हूँ, ये है लैपिस लाजुली। ये लैपिस लाजुली करता क्या है? ओ नीचे गिर गए। उसका आंसर तो मैं जानता हूँ लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग जानते हो कि नहीं। तो दोस्तों नीचे जाइए, कमेंट करके बताइए कि लैपिस लाजुली करता क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर को नहीं पता। नहीं मेरे को पता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग को बताएगी थी। ऊपर तो देखो, वो पीछे तो देखो, होता है ज़ॉम्बी। ये बदमाश कहाँ से आ गया? शायद वो तेरे को मिस कर रहा था। ज़ॉम्बी ब्रो, आई एम रियली सॉरी बट हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, क्या करे, आप मेरे को मारना जो चाहते हो तो आप मेरे को प्लीज माफ करिए क्योंकि अभी मेरे को आपको मारना पड़ेगा। पहले मैं रेंज में आ जाता हूँ फिर मारूंगा, बच गया नहीं तो सीधे इसके सर पे जाके टपकता। भाई भाई मिस्टर ज़ॉम्बी अलविदा। यार ऐसे मत बोला, मेरे को ज़ॉम्बी के लिए बुरा लग रहा है। और ये चीज क्या है, अजीब सी दिख रही है, टूट भी नहीं रही। देखना यहाँ पर डायमंड मिलेगा, ऐसी टुन्नू मुन्नू जगह पे थोड़ी डायमंड मिल जाएगा। 10 साल से खेल रहो यार, इट इज इम्पॉसिबल। ये सही है, और भी आयरन मिल गए, लेट्स गो। एक दिन हम लोग आयरन मैन का आर्मर भी जरूर बनाएंगे गाइस। डायमंड, उसे मत तोड़ो, इसके लिए तुम्हें आयरन पिकैक्स यूज करना पड़ेगा। मैं 10 साल से खेल रहा हूँ, ठीक है ना, कभी कभी फ्रो लोगों से भी गलती हो जाती है। ओके गाइस, हम लोगों ने आयरन पिकैक्स तो बना लिया लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि हम लोग को कितने डायमंड मिले। रुको जरा मैं भी देखता हूँ, उसके लिए गिनती आनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओ माय गॉड जिला, डायमंड से ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि बॉब को 10 तक की गिनती आ गई। किसी ने सही बोला था गाइस, मिरेकल्स डू हैपन। तो फिर चलते हैं अपने आयरन पिकैक्स को अपने हाथ में लेके, लेट्स फार्म डायमंड। अब इन डायमंड्स का हम लोग क्या करें? मैगी में डाल के खा लेते हैं, बॉब हर चीज को नहीं खाते। न्यूक्लियस अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इन डायमंड्स का क्या करें? 4 डायमंड है गाइस, 4। ठीक है तो अब घर चलते हैं, अगर मर जाएंगे तो सारे डायमंड्स खो देंगे। ओके तो गाइस अब हम आप लोग से वापस मिलते हैं अपने घर पे। A few inches later. न्यूक्लियस वैसे हमारा प्लान घर जाने का था लेकिन ये क्या है, शायद नए अपडेट की वजह से हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और तू सोच ये हमारे घर पे कितना अच्छा लगेगा और कितना काम कराएगा, इतनी छोटी सी तो जगह है, 2 मिनट का काम है बॉब, लेट्स गो। बस 2-3 और बच्चे है, आइए। 2 मिनट बोल रहा था, 10 मिनट लग गए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, हम लोगों ने इस जगह को पूरा नंगा कर दिया है। एक ब्लॉक भी नहीं छोड़ा गरीब ने। अब हर बार आके थोड़ी माइन करते रहेंगे, एक ही बार में पूरा माइन कर लेते हैं ना। तो चलो गाइस अब फाइनली घर चल
चलते वरना सब कुछ खो देंगे। क्या होगा अगर एक डायमंड को लावा में डालेंगे? गाइस घर जाते जाते बीच रास्ते में हमें 2-3 डायमंड और मिल गए थे और बॉब के बच्चे ने बोला कि मेरे को भी दिखा दे। मेरे को लगा ये दे दे यार, क्यों कर रहे है? नहीं ठीक है, दे रहा हूँ, रोक क्यों रहे? कौन सा बटन था? के बच्चे तूने डायमंड गिरा दिया। आई एम सॉरी, आई अप्लोजाइज। क्या करूँ अब मैं गाइस, इसका मार के भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर घर चले जाते हैं, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स है। कहाँ पर है मॉन्स्टर्स? ओके, एक ज़ॉम्बी, दो ज़ॉम्बी, क्रीपर, लेट्स गो। ये रेड रेड चीज क्या है? रूबी तो नहीं है? घर जाना था, क्या कर रहा है? एक कमाल की चीज मिल गई ब्रो, नीचे आओ ना। ये तो शायद से रेड स्टोन है। रेड स्टोन? मेरे को लगा रूबी। क्या हुआ, पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख लिया क्या? नहीं, ज़ॉम्बी का बच्चा मेरे पीछे पड़ा हुआ और उसके पीछे ये कौन है? उसकी मम्मी है, पापा है, कौन है? जो भी हो यार बचाओ। यहाँ पर एक और स्पॉनर है, वापस से 1 HP हो गई। भाई मेरे को माफ कर दो, मैं नहीं आ रहा, मैं बेचारा खेलना चाहता है, खेल ले मेरी जान के साथ। नो थैंक यू, तुम लोग खेलो, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, खा के हेल्थ बढ़ा कर आ रहा हूँ। इनकी तो पूरी सेना ही हमारे पीछे पड़ गई। बेस्ट ऑफ लक चॉप, मैं जानता हूँ तू उन सबको मार सकता है, मैं अभी बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओ देखो जो यही प्याले ज़ॉम्बी को मेरे को मारने के लिए आ ले। ध्यान से हट जाओ, डरती है क्या ये पित्ती से? ज़ॉम्बी क्या ही कर लेगा। मैंने तो पहले ही बोला था। गलत बात है गाइस, मेरे डायमंड, मेरे पर्पल वाले स्टोन जिनसे मैं डेकोरेट करने वाला था अपना घर, सब खो गया। चुप, लगता है ये हमें भूल गया। हाँ, तुम लोग अभी जिंदा हो और हम लोगों ने डायमंड्स कलेक्ट कर लिए, वापस आ रही है, चिंता मत करो। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे को यकीन नहीं होता कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे को तुम्हारे जैसे इतने अच्छे दोस्त मिले। ए बकवास, एक्टिंग बंद कर, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है और चारों तरफ ज़ॉम्बी है, मर जाएंगे हम भी। ओके आई एम सॉरी, मैं तुम लोग का घर पे इंतजार करता हूँ। इवेंचुअली 10 मिनट हो गया और ये लोग अभी तक नहीं आए, कहाँ पर है मेरा न्यू बॉयफ्रेंड? पीछे तो देखो, क्या मैंने अभी बॉब की आवाज सुनी? आ गए, आइए, और हम लोग सब कुछ वापस भी लेकर आ गए। मेरे को तेरे पे यकीन था चौप। चौप? लगता है बॉब बोलना भूल गया। पागल है क्या, तेरे पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और ये देखो गाइस, डायमंड। जल्दी अंदर जाके सेव कर ले, बिजली का झटका लगेगा, मर जाएगा। आई थिंक ये सही बोल रहा है गाइस, हम लोग अंदर चल के चुपचाप सेव कर लेते हैं। रुको मैं बेड बना देता हूँ। यार लगाते हैं और बाय बाय। हेलो, मेरा बेड कहाँ पर है? उठू।